अगर मैं सन बर्ड को इनवाइट करना चाहता हूँ या फिर पैरट को इनवाइट करना चाहता हूँ घर पे, या फिर किसी भी पक्षी को मैं इनवाइट करना घर पे करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? रुक जाओ यार, बोलना नहीं है, बस हाथ खड़े कर लो। मैं एक और कोई बेटा अनुमान भी बता सकते हैं कैसे इनविटेशन भेजिए? अगर आपका बर्थडे आप लिस्टिंग करते हो, फिर दूसरे दिन कॉल करते हो बच्चों को ऐसे इनवाइट करते हो ना, इसको तो नहीं कर पाओगे, इसका तरीका कुछ अलग होगा, आएगी जरूर। लेकिन किसको इनवाइट करना चाहते हो जोशी, पहले बताओ और पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताना। दिस इज ऑल अबाउट बर्ड नॉट बटरफ्लाई। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बटरफ्लाई की, बात करेंगे अगली वर्कशॉप में बटरफ्लाई पर। उन्होंने बर्ड है ना, कौन सी बर्ड है? पैरट के लिए करोगी तो ये पैरट को इनविटेशन देना चाह रहे हैं, और देखते हैं क्या बताते हैं। बताओ उसकी फेवरेट चीज़ हमें पता होना चाहिए, तो उसको लगाएंगे क्या होगा? चिली, चिली ना ये थोड़ा सा ये किसी कहीं फोक टेल में ही कहानी के इसके अंदर आ गई थी, लेकिन चिली नहीं है। हाँ, ये फ्रूट्स बहुत पसंद करती है। हाँ, कई फ्रूट्स करते हैं, तो आपको इसके कुछ फ्रूट्स लगाने पड़ेंगे। एक और टिपिकल जैसी बर्ड होगी, हम यहाँ की बर्ड की बात करते हैं तो ये तो माइग्रेटरी बर्ड आती है, और भी आती है। कोई दूसरा कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? हाँ, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, बहुत ही कॉमन है, इससे बच्चे समझ जाएंगे, टेक्निकल मत जाओ, बेसिक से करते हैं। तो हिमालयन बुलबुल बोला इन्होंने, इसका पहाड़ी नाम बता दें। अभी समझ जाएंगे बच्चे, देखो अभी अभी ना केवल गर्दन घुमाना, जिसको दिखेगा दिखेगा, अदरवाइज पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने देखो एक पक्षी बैठी हुई है, आगे ऊपर पीछे, तो इसका नाम बताना है। अच्छा, पोजीशन चेंज मत करो बेटा, जिसको दिख रहा है ठीक है, अदरवाइज मिलने की दिक्कत। डब कौन सी डब है बेटा? हाँ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ।